सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे टाइम्स नेटवर्क के बारे में और बताऊंगा दोस्तों कि टाइम्स नेटवर्क की तरफ से एक अपडेट आया है जिसमें बेसिकली टाइम्स सेक्शन लीगल एक्शन लेने जा रहा है बार्क को लेकर। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ कि टाइम्स नेटवर्क एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें बेसिकली टीआरपी स्कैम जो भी सामने आया था, जिसमें रिपब्लिक टीवी मेन जरिया है जिसको लेकर ये अपडेट है। बिकॉज हुआ ऐसा था दोस्तों कि रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी और बार्क के फॉर्मर सीईओ जो हैं, जिनका नाम है पार्थो जो हैं, उनको लेकर है बेसिकली ये अपडेट। इसमें हुआ क्या है दोस्तों कि बार्क के चेयरपर्सन और अर्णव गोस्वामी जो कि आपके रिपब्लिक मीडिया के हैं चीफ एडिटर, इन दिनों के बीच एक चैट वायरल हुआ था और उसमें रिपब्लिक टीवी के साथ साथ टाइम्स नेटवर्क के भी चैनल का जिक्र है, जिससे टाइम्स नेटवर्क का कहना है कि बार्क के वजह से टाइम्स नेटवर्क को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ है, साथ ही उनका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो उस पर अब टाइम्स नेटवर्क जो है लीगल एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है बार्क के ऊपर। बेसिकली टाइम्स नेटवर्क ने एक धमकी दी है कि रिपब्लिक नेटवर्क का बार्क से लेना देना था, उसने सीईओ से साथ चैट कराया, जो भी बार्क को रेटिंग में कम ज़्यादा करवाया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बार्क की थी कि वो पूरा डेटा जो है एक्चुअल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। बीच में बेसिकली आज तक का भी नाम आया था, टीवी टुडे नेटवर्क का भी नाम आया था, उसके साथ साथ टाइम्स नेटवर्क का भी इंग्लिश चैनल जूनियर को लेकर आया था कि उसमें बेसिकली रिपब्लिक टीवी जो इंग्लिश चैनल है और टाइम्स नाउ जो इंग्लिश चैनल है इसको भी रेटिंग में छेड़छाड़ के लेकर आया था अपडेट। तो यहाँ पर टाइम्स नाउ एक कड़े रुख अपनाते हुए अपने मानहानि टाइप का केस ठोकने जा रहा है बार्क के ऊपर। बेसिकली उनका कहना है कि जब से टीआरपी स्कैम में नाम आया है तब से हमारे को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली प्लस रेपुटेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। टाइम्स नेटवर्क का कहना है कि बार्क का छेड़छाड़ बार्क के अधिकारी और टाइम्स के एडिटर ने कराया था, ना कि टाइम्स नेटवर्क करा था। टाइम्स नेटवर्क का जो एक्चुअल डेटा था वही देना था, बट उसमें छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था, जिस वजह से टाइम्स नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा निराश है और उस पर कड़ी एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि एज पर रूल कि जब बार्क की ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी चैनल या किसी भी कैटेगरी की टीआरपी को लॉन्च करना या उसको मार्केट में लेकर आना, या जो रेट जो डेटा आ रहा है, हंसा ग्रुप के साथ वो मिलके काम करते थे, हंसा ग्रुप बेसिकली डिवाइस लगाता था बैरोमीटर और उसके जरिए टीआरपी काउंट होता था, उस टीआरपी मीटर में जो भी काउंट आता था बार्क की एक एजेंसी है जिसके जरिए वो पब्लिश किया जाता था कि कौन से कैटेगरी में या कौन से चैनल को या कौन से शो को या कौन से एडवर्टीजमेंट के टीआरपी सबसे ज़्यादा हाई हुई है, सबसे ज़्यादा देखा गया है। ये सारा का सारा काम था बार्क का और बार्क और रिपब्लिक के जो एडिटर हैं अर्णव गोस्वामी जी, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इन दोनों ने मिल के छेड़छाड़ किया था, जिसमें रिपब्लिक टीवी हिंदी चैनल में नंबर वन बनाया गया था और रिपब्लिक टीवी को इंग्लिश चैनल में और रिपब्लिक भारत को हिंदी चैनल में नंबर वन बनाया गया था। तो इसको लेकर टाइम्स नाउ कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। अब देखना ही होगा दोस्तों, आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि टाइम्स नाउ अखबार का मामला क्या होता है, इसमें किस तरीके से केसेस करते हैं या क्या चीज़, जो भी और अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर लीजिए, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।